हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में रॉयल साइंस वाला यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से, डीप में, डिटेल में, प्रोटिस्टा जगत। यदि जो भी बच्चे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक मोटिवेशन मिलता है। तो प्यारे बच्चों, इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण और उसमें आने वाले जीवों के बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया था। उसका लिंक आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि व्हिटेकर के अनुसार प्यारे बच्चों, सजीव जगत को 5 जगतों में विभाजित किया गया था। नंबर फर्स्ट था मोनेरा, सेकेंड था प्रोटिस्टा, थर्ड था कवक, फोर्थ था एनिमाइलिया यानी जंतु जगत, और फिफ्थ था प्लांटी। तो आज की इस वीडियो में हम फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत का। तो देखिए, अगर प्रोटिस्टा जगत की बात करें तो बच्चों, इस समूह में सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। अब मैं आपको बता दूँ, एक कोशिकीय यूकैरियोटिक मतलब एक तो सिंगल कोशिका होगी और वह यूकैरियोटिक होगी। यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब यह है कि उस कोशिका के अंदर जो केंद्रक या जो न्यूक्लियस पाया जाता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली का एक आवरण होता है। तो ऐसे सभी जीव जो एक कोशिका से निर्मित होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, उन सभी को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। परंतु इस जगत की सीमाओं का कोई ठीक से निर्धारण नहीं हो पाया और एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा था, वही दूसरे जीव वैज्ञानिक के लिए एक पादप हो सकता है। इसीलिए कोई खास निर्णय नहीं निकला। इसीलिए इस प्रोटिस्टा जगत के कुछ उपसमूह बनाए गए। प्यारे बच्चों, नंबर एक था क्रासोफाइट, सेकंड था डायनोफ्लैजिलेट और युगलिनॉइड, और अब पंक, कवक एवं प्रोटोजोआ के सभी सदस्यों को इस पुस्तक के अनुसार प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया था। बच्चों, तो कहने का मतलब यह है, इस प्रोटिस्टा जगत को कुछ उपसमूहों में विभाजित किया गया। नंबर एक डायनोफ्लैजिलेट, सेकेंड युगलिनॉइड, थर्ड अवपंक कवक एवं फोर्थ प्रोटोजोआ के सभी सदस्यों को। क्लियर? नेक्स्ट, प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते थे, यानी पहले जब प्राइमरी स्टेज में देखा तो। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक, मतलब उस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती थी, ऐसे केंद्रक को सुसंगठित केंद्रक कहते हैं, और अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग भी पाए जाते थे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, और ये भी पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्टा में कसाब एवं पच्छाप भी पाए जाते हैं। और अगर बात करें तो प्रोटिस्टा जगत के जितने भी हैं ये अलैंगिक तथा कोशिकीय संलयन व युग्मनज या जायगोट बनने की विधि के द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। तो यानी कहने का मतलब यह है कि पूरा का पूरा मिक्स है इसमें, है ना। नेक्स्ट, अब नंबर फर्स्ट हम देखते हैं प्रोटिस्टा जगत का उप समूह क्रासोफाइट, ये क्या है। यदि जो भी बच्चे हमसे अब नए जुड़े हैं क्रासोफाइट के दौरान, तो वो वीडियो को शुरू से देख सकते हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को प्रेस कर दें। तो देखिए, क्रासोफाइट की अगर बात करें तो यह एक ऐसा समूह है, इसके अंतर्गत डायटम्स, सुनहरे सहवाल को अंग्रेजी में कहते हैं डेस्मिड भी रखे जाते हैं। और ये डायटम्स और सुनहरे सहवाल क्या हैं बच्चों, ये सभी स्वच्छ जल एवं लवणीय समुद्री पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं, यानी समुद्र के खारे पानी और पर्यावरण दोनों प्रकार में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जलधारा के साथ ये निश्चेष्ट रूप से बहते रहते हैं, यानी जो पानी का जिस तरफ बहाव होता है ये उस तरीके से बहते रहते हैं। डायटम की जो कोशिका भित्ति होती है वह साबूदाने के समान होती है, और यह एक दो अतिच्छादित कवच बनाती है। और अगर बात करें डायटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है उसमें सिलिका पाया जाता है। प्यारे बच्चों, तो डायटम्स की कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? सिलिका, जिसके कारण ये नष्ट नहीं होते हैं। इस प्रकार मृत डायटम्स अपने प्रवेश या वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं, और करोड़ों वर्षों में जो जमा हुए अवशेष को फिर क्या कहा जाता है? डाईएटमी मृदा कहा जाता है। तो डाईएटमी मृदा क्या है?
जो डायटम्स होते हैं या जो सुनहरे शैवाल ये पाए जाते हैं, इन सभी के जो करोड़ों वर्षों से जो अवशेष जमा हो जाते हैं वो एक मृदा का रूप ले लेते हैं, तो उसे डायटमी मृदा कहते हैं। क्लियर। और यह कणिकामय होने के कारण इस मृदा का उपयोग कहाँ किया जाता है, फिर पॉलिश करने, तेलों में, सिरपों के निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन में, ठीक है। और जो डायटम्स होते हैं ये क्या होते हैं प्यारे बच्चों, समुद्र के मुख्य उत्पादक होते हैं। एक बात और बताना चाहूँगा सभी बच्चों को, यह फुल डिटेल में एनसीईआरटी की बुक का एक्सप्लेनेशन है जो कि आपके नीट एग्जामिनेशन 2024 और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और साथ ही अन्य कंपटेटिव एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना क्या है, डायनोफ्लैजिलेट। क्लियर। तो देखिए डायटम्स का बता दिया आपको, अब बात करेंगे हम सेकेंड उपसमूह की, जो प्रोटिस्टा जगत का सेकेंड उपसमूह है डायनोफ्लैजिलेट। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णों के आधार पर ये पीले, हरे, भूरे, नीले अथवा लाल रंग के भी दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की जो बाह्य सतह होती है प्यारे बच्चों, किसकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह, डायनोफ्लैजिलेट की, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की कड़ी पट्टिकाओं की बनी होती है। यानी पूछा जाए कि डाई एटम्स की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी है, सेल्यूलोज की बनी होती है। अधिकतर डायनोफ्लैजिलेट में दो कसाब होते हैं, जिसमें से एक कसाब कैसा होता है, कसाब लंबवत, दूसरा अनुप्रस्थ। यह भित्ति एवं पट्टिकाओं के बीच में खांच के रूप में उपस्थित होता है, जो आपको ये दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एक कैसा हो गया, ये नीचे वाला लंबवत और ये अनुप्रस्थ। क्लियर। चित्र फिगर या चित्र संख्या आम है। क्लियर। उपस्थित होता है प्राय लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में अधिक विस्फोट होता है, जिसके कारण क्या होता है प्यारे बच्चों, समुद्र का जल लाल हो जाता है और समुद्र में हमें लाल तरंगें दिखने लगती है। इतनी बड़ी संख्या में लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में जो विस्फोट होता है तो उनसे विष निकलता है, तो डायनोफ्लैजिलेट जहरीले होते हैं, जिसके कारण मछली व अन्य समुद्री जीव क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ऐसा डायनोफ्लैजिलेट कौन सा है, गानिया लैक्स। क्लियर। जिसके कारण समुद्री जीव मर जाते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट देखते हैं, युगलिनॉइड प्यारे बच्चों। तो युगलिनॉइड क्या है, इनमें अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। युगलिनॉइड की बात करें तो ये अधिकांश स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारियाँ कौन, युगलिनॉइड, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं यानी बिना बहते हुए जल में पाए जाते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की जगह, यानी जो इनकी कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पहली किल होती है। तो जो युगलिनॉइड होते हैं, ये आपको फिगर में दिखाई दे रहा है, तो इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर, ये जो कोशिका भित्ति है इसके स्थान पर यहाँ पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है, जिसे पहली कल कहते हैं। तो युगलिना की जो बाह्य परत होती है, जिसको आप कोशिका भित्ति कह सकते हैं आप, लेकिन यह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की बनी होती है, जिसे पहली कल कहते हैं। तो यहाँ जो युगलिना में अगर हम बात करें या युगलिनॉइड में बात करें, तो क्या होता है, युगलिनॉइड समूह में सभी ऐसे जीवधारी आते हैं जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, जैसे युगलिना। क्लियर। जो पादपों और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है युगलिना को। क्लियर। तो युगलिना की या युगलिनॉइड में जितने भी जीवधारी आते हैं या युगलिना है, इनकी कोशिका भित्ति इनमें एब्सेंट होती है, इसके जगह पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की एक पतली परत होती है, जिसे पेलिकल कहते हैं। इनकी संरचना को लचीला बनाती है, जो पेलिकल है वो क्या करती है, युगलिना की संरचना को पतला बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं, जिसमें एक छोटा तथा दूसरा लंबा होता है। इनमें दो कसाब होते हैं यानी फ्लैजिला होते हैं, जिनमें एक छोटा व दूसरा लंबा होता है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर ये अन्य सूक्ष्मधारियों का शिकार कर परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। आश्चर्यजनक रूप से युगलिनॉइड में आश्चर्यजनक रूप से युगलिनॉइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में
उपस्थित रड़कों के यानी पिगमेंट के समान होते हैं। उदाहरण युगलीना, चित्र पॉइंट, चित्र संख्या बा, ये जो दिखाई पड़ रहा है। तो देखिए युगलीनॉइड को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, आपको बता दूँ युगलीनॉइड स्वच्छ जल में स्थित जल में रहने वाले जीवधारी हैं। जो युगलीनॉइड समूह के अंतर्गत कौन से जीवधारी आते हैं, जो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, स्थिर जल होता है यानी बिना बहता हुआ जल। इनकी कोशिका भित्ति की स्थान पर, इनमें कोशिका भित्ति के स्थान पर एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत होती है जिसे पेलिकल कहते हैं, जो युगलीना को या युगलीनॉइड समूह में रहने वाले जीवधारियों की संरचना को लचीला बनाती है। इनमें दो कसाब होते हैं, कौन कौन से, एक छोटा और एक लंबा, यानी दूसरा लंबा कसाब फ्लैजिला। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में युगलीनॉइड या युगलीना की खास बात क्या है, ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं होता बच्चों तो ये युगलीना क्या करते हैं, अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर अपना पोषण प्रदान करते हैं, एक परपोषी की तरह व्यवहार करते हैं। और खास बात और एक आश्चर्यजनक बात क्या है युगलीनॉइड की, इनमें पाए जाने वाले जो वर्णक होते हैं वह उच्च पादपों के वर्णकों के समान होते हैं। उदाहरण के लिए युगलीना को आप देख सकते हो, क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अपना थर्ड अवपंक कवक, क्लियर। अवपंक कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है, ये सड़ी हुई टहनियों पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हुए अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह प्लाज्मोडियम भी बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई के हो सकता है। प्रतिकूल परिस्थितियों में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त व फलन काय बनाते हैं, बीजाणुओं के परिक्षेपण वायु के साथ इनका होता है। तो ये जो अवपंक कवक है ये इस प्रकार का होता है, चित्र संख्या स में दिखाया गया है। तो ये क्या है, एक मृतपोषी प्रोटिस्टा है, सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए और जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में समूह व प्लाज्मोडियम भी बनाते हैं जो कई फीट तक लंबाई के हो सकते हैं। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी बिखर कर बीजाणु युक्त फलन का जैसी संरचना बना लेते हैं, ठीक है। और बीजाणुओं का प्रक्षेपण वायु के साथ होता है, यानी अवपंक कवक या डिकम्पोजर भी कहते हैं, कह सकते हो दलदल भूमि या आर्द्रता वाले ऐसे जैसे ब्रेड पर इनको कहते हैं अवपंक कवक। नेक्स्ट प्रोटोजोआ, ठीक है। अब प्रोटोजोआ की बात करें तो देखिए बच्चों, प्रोटोजोआ, सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं। ये प्राणियों में पुरातन संबंधी हैं। प्रोटोजोआ को चार समूहों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट अमीबीय प्रोटोजोआ, ये जीवधारी स्वच्छ जल व समुद्री जल तथा नम मृदा में पाया जाता है। ये अपने कूट पादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ करते हैं। तो पूछा जाता है आपके नीट एग्जाम में कि निम्नलिखित में से अमीबा किसके द्वारा गमन और अपने शिकार को पकड़ता है, तो स्यूडोपोडिया या कूट पादों की सहायता से, क्लियर। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच होते हैं, इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी, क्लियर। तो ये अमीबीय प्रोटोजोआ है। नेक्स्ट देखते हैं कसाबी प्रोटोजोआ, सेकंड नंबर का। तो प्रोटोजोआ को अमीबीय प्रोटोजोआ और कसाबी प्रोटोजोआ, ये दूसरा नंबर। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाया जाता है। परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ बीमारी का कारण है जिनसे निंद्रालु व्याधि नामक बीमारी यानी निंद्रा रोग होता है, जैसे ट्रिपनोशोमा, क्लियर। तो ये कसाबी प्रोटोजोआ हैं, इनके समूह में क्या होते हैं, इस समूह के यानी कसाबी प्रोटोजोआ समूह के सदस्य कैसे होते हैं, है तो ये भी प्रोटोजोआ, लेकिन इनके जो कसाबी प्रोटोजोआ क्यों कहा गया है कि इनमें जो कसाब पाया जाता है वहाँ क्या पाया जा रहा था, कूटपाद, जो कूटपाद से वो क्या करते थे, शिकार करते थे जैसे एंटमीवा में। लेकिन कसाबी प्रोटोजोआ ट्रिपनोशोमा जिसके कारण निंद्रा रोग होता है, यह स्वच्छंद एवं परजीवी होते हैं, इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं, क्लियर। प्रोटोजोआ बीमारी का कारण है जिनसे निंद्रा रोग होता है, और इसका उदाहरण कौन सा है, कसाबी प्रोटोजोआ का ट्रिपनोशोमा। अब थर्ड नंबर का पच्छावी प्रोटोजोआ, ये जलीय तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पच्छाब पाए जाते हैं यानी सिलिया। इनमें एक गुहा होती है जिसे ग्रसका कहते हैं,
जो कोशिका की सतह की बाहर की तरफ खुलती है। उपच्छावों को लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ भेज दिया जाता है, उदाहरण अमीबा पैरामीशियम। चित्र संख्या 2.4 का द, चित्र संख्या 2.4 का द, एक मिनट वेट कीजिएगा, चित्र संख्या 2.4 का द, जैसा कि ये जो चप्पल के आकार का आपको दिखाई पड़ रहा है अमीबा है, ठीक है। तो ये कैसा अमीबा हो गया, पच्छावी प्रोटोजोआ। कौन सा होता है पच्छावी प्रोटोजोआ, मतलब जिनके अंदर पच्छा पाए जाते हैं, सिलिया पाए जाते हैं, क्योंकि ये इनके शरीर में हजारों की संख्या में पाए जाते हैं। इनमें एक ग्रसिका होती है जो बाहर की तरफ खुलती है और बाहर से लयबद्ध यानी गति से जल को अपग्रहण करते हैं। ये कौन, पच्छावी प्रोटोजोआ। इनमें कौन सा आता है आपका, पैरामीशियम है, यानी अमीबा पैरामीशियम, क्लियर। और जो पहला था अमीबीय प्रोटोजोआ, उसमें एंट अमीबा हिस्टोलिटिका आता है जो कूटपाद के द्वारा गमन करते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट स्पोरोजोआ, इस समूह में विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसे अवस्था पाई जाती हैं, बीजाणु जैसी यानी स्पोरिक फाइट अवस्था पाई जाती हैं, स्पोरोजोआ कहलाते हैं, यानी स्पोरोजोअन प्रोटोजोआ कहलाते हैं, वो स्पोरोजोअन समूह के प्रोटोजोआ कहलाते हैं। उनके संक्रमण फैलाने का जीवन चक्र पाया जाता है, जैसे सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम जो कि एक मलेरिया परजीवी प्रजाति है, यह स्पोरोजोआ समूह का परजीवी है। प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटिस्टा जगत के प्रोटोजोआ समूह का जीवधारी है, क्लियर, जिसके कारण मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचता है और बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, मलेरिया फैलता है, फैल्सीफेरम टाइफाइड। तो ये प्लाज्मोडियम की कुछ प्रजातियों के कारण ऐसे होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट कवक जगत के साथ। तो एक प्यारा सा कमेंट करना कि आज की इस वीडियो में आपको प्रोटिस्टा जगत के सभी समूह और उपजगत कैसे लगे, और यदि जो भी बच्चे हमसे चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं और घंटी वाले बटन को प्रेस करके जाएं, जिससे कि आपको इन फ्यूचर वीडियो अपडेट नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, जय हिंद।